भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन, लगातार 10 मैच जीतकर विश्व कप के फाइनल में पहुंचना, ये न केवल 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं हैं, बल्कि शानदार प्रदर्शन। जहां एक और विराट कोहली का शानदार शतक हो तो वहीं पर मोहम्मद शमी के 7 विकेट हो, श्रेयस अय्यर का शानदार शतक हो या फिर गिल से लेके बाकी खिलाड़ियों रोहित शर्मा तक के आज तक के सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने वाले बैट्समैन हो, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो भारत के खिलाड़ियों की रही, इसने उम्मीदें भी जगाई हैं, विश्वास भी जगाया है। और हम सब लोग आज प्रेस डे के मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करें और फिर एक बार भारत विजेता बने। मानिकम टैगोर एंड श्रीनिवास एंड आई सेड दैट टू इयर्स अगो द संगीस एंड बक्स वर अब्यूजिंग शमी बाय ड्रिंकिंग द पॉइजन ऑफ हिंदू मुस्लिम हेट एंड टुडे दे आर सेलिब्रेटिंग हिम, दे आर ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज। मुझे लगता है कुछ लोग हैं जिनकी राजनीति केवल इन्हीं कामों पे चलती है, जिनके पास सरकारें चलाने के बाद भी उपलब्धियां नहीं कांग्रेस के पास। आज छत्तीसगढ़ राजस्थान में ये हालत हो गई है कांग्रेस की कि अपनी कोई उपलब्धि बताने की बजाय और जो 5 साल पहले गारंटियां देकर जो अब तक फेल हो चुकी हैं, जिनमें से कोई गारंटी पास नहीं हुई, ये गारंटी उतनी ही फेक और फेल हुई जितनी कांग्रेस की पार्टी और परिवार है। मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम के एक शानदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, और अगर लोग उसको अपने राजनीतिक टूल के रूप में यूज कर रहे हैं तो मैं कांग्रेस से इतना ही कहूंगा, वो चुनाव तो हार ही रही हैं, कम से कम भारत के खिलाड़ियों को तो छोड़ दो।